Hey guys, पोकेमोन की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे पोकेमोन फायर एश। और पिछली बार जैसे कि आपने देखा हमने इंडिगो लीग में टॉप 16 तक आ गए थे, ठीक है। तो इस पार्ट में हम चैलेंज करेंगे जिम लीडर्स को और देखेंगे कि आगे और क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो हमें इससे बात करना होगा सर। वेलकम टू द लैब प्रेस लॉन्च। ओके, तो हमें मिकान आइलैंड जाना है। ये रहा मिकान आइलैंड। स्वीट, you're changing the orange screw, good luck. Do I doubt you'll make it? Okay. Hey, this has always been quite the quiet place. If it wasn't for the gym, I doubt anyone would stop by. Okay. Okay. Yeah, upper guy. My sister runs the gym here. Don't expect to be able to beat her. तो हमें इससे बैटल करना होगा गाइस। तो देखते हैं यार तुम्हारे पास कैसे पोकेमोन है। तो इसके पास तीन पोकेमोन है जो कि फर्स्ट में ड्रेटिनी, हम इसको देते हैं थंडर बोल्ट। ओके, वो पहला जो चुका है, एक और थंडर बोल्ट। ओके, एक और थंडर बोल्ट और ड्रेटिनी हो चुका है पेंटेड। किटी वॉन्ग, हम इसको भी पिकाचू से हरा सकते हैं गाइस। ओके, वाटरफॉल, वो पैरालाइज हो चुका है गाइस। एक और थंडरबोल्ट और डीवॉर्म भी हो चुका है पेंटेड। नाइस। ओके, तो हम इसको भी पिकाचू से आराम से हरा देंगे गाइस। ओके, बबल बीम, एक और थंडरबोल्ट और पॉलीवर्ड भी हो चुका है पेंटेड। नाइस। I guess you're really strong. You may stand a chance. Use this to help you. Okay, facade. मुझे पता नहीं गाइस ये facade क्या है, मतलब ये मूव क्या करता है, मुझे literally पता नहीं गाइस। यहाँ नीचे क्या है? Okay, revive. If you battle Chrissy, you will need this. Okay, thunder. Hey, wait your turn. एक मिनट गाइस, यू बीट माई सिस्टर, कंग्रेट्स। ओके गाइस, ये तो मतलब बहुत वियर्ड है गाइस, ये थोड़ा वियर्ड है गाइस, क्योंकि मैंने मतलब बैटल किया भी नहीं और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। शायद हमें टेंजिलो आइलैंड जाना है पहले, मेरे हिसाब से पहले हमें टेंजिलो आइलैंड जाना है शायद। ओके, तो हम टेंजिलो आइलैंड में जा रहे हैं गाइस। ये थोड़ा सा वियर्ड था गाइस, मुझे पता नहीं पहले हमें मतलब कौन सा आइलैंड जाना है गाइस, लेकिन कोई ना गाइस। ओके, तो यही है पार्क शायद गाइस, हम इसमें इंटर करेंगे। हे हे, लीव अस अलोन। ओके ओके, बी ड्रिल हम यूज करेंगे थंडर बोल्ट। ओके, एक और थंडर बोल्ट। ओके, एश्योरेंस और ये किया क्विक अटैक। तो यार कोई ना, तो अभी हम फटाफट से यूज करेंगे मैक्स रिवाइव गाइस जो कि उसने दिया था हमें। ओके, तो ये रहा मैक्स रिवाइव, हमने इस पे यूज कर दिया गाइस और हमारा पिकाचू एकदम से हिल हो गया। This is our Lapras. तो शायद गाइस इसी पार्ट में हमें ट्रेसी के साथ मतलब जो स्टोरी में हुआ था वही हो रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं गाइस क्या होता है आगे। ओके, एक और थंडर बोल्ट और हमने हेडफोन चैन को भी फेंट कर दिया गाइस।
हमारा बॉल बस 100 पे 47 हो चुका है गाइस लेवल। मतलब ये एक्सपी शेयर यूज करना बहुत ही मतलब फायदेदार है गाइस। लीव दैट पुअर लैप्रेस अलोन। ओके गाइस तो हमें ट्रेसी के साथ भी बैटल करना होगा। ओके कोई ना, इसके पास दो पोकेमॉन है तो हम इसको जल्द से जल्द हरा देंगे। ये किया हमने यूज थंडरबोल्ट। ओके स्लीप पाउडर। ओके कोई ना, वो पहला सोच चुका है गाइस। एक और थंडरबोल्ट और ओके तो हमारा पिकाचू उठ गया है गाइस। ओके मैरिल, हम इसको भी थंडरबोल्ट यूज करेंगे और मैरिल भी हो चुका है फेंटेड। तो हमने ट्रेसी को भी हरा दिया। वेट यू वेरेंट गोइंग टू हर्ट इट। हाँ हम लैप्रेस को हर्ट नहीं करेंगे ना। सॉरी आई थॉट यू वेर गोइंग टू हार्म लैप्रेस। आई वॉन्ट गेट इन योर वे, टेक केयर। ओके तो हमें शायद लैप्रेस को पकड़ना होगा गाइस। लैप्रेस सीम्स टू ट्रस्ट यू अ बिट, वुड यू लाइक टू टेक लैप्रेस विद यू? यस। तो हमने लैप्रेस को पकड़ लिया गाइस, हम इसको निकनेम नहीं देंगे। ओके लेवल 40 पेरिस सॉन्ग ब्राइन आइस बीम और वाटर गन। तो हम इसको एक्सपी शेयर देंगे गाइस। अभी ये रहा एक्सपी शेयर, हमने इसको एक्सपी शेयर दे दिया गाइस। और बल्बसोर के ऊपर हम देंगे इसको एवरस्टोन। ये रहा नाइस। एक्चुअली में पहले हमें इस आइलैंड में आना था ना कि मिकान आइलैंड में, तो शायद यही है शायद द क्लोज जिम। ओके हे आई एम टेकिंग अ ब्रेक, आई लव कमिंग हियर। ओके तो गाइस यहाँ पे खास उतना कुछ नहीं है तो हम इस आइलैंड से अभी जाते हैं। ओके ओके गाइस तो अभी हम मिकान आइलैंड में इसके मतलब यहाँ के जिम लीडर को चैलेंज कर सकते हैं, तो चलिए इंटर करते हैं। ओके ओके गाइस तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। हाय देयर, आर यू रेडी टू बी डिमोलिश्ड बाय अ मेंबर ऑफ द ऑरेंज क्रू? ओके हम यूज करेंगे पिकाचू को, स्क्वर्टल को और ओके दो ही पोकेमॉन गाइस। ठीक है कोई ना, दो पोकेमॉन दैट्स ऑल। हम अपने पिकाचू से ही आराम से हरा देंगे गाइस इसके पोकेमॉन को। ब्लास्टोइज मैंने इसको भी हरा दिया। मतलब ये मुझे डिमोलिश करने की बात कर रहा था गाइस और खुद हार गया, वेरी फनी गाइस। तो हमने जिम लीडर किसी को भी हरा दिया गाइस। यू वर्न द कोरल आई बैच। ओके गाइस तो हमने अपना फर्स्ट ऑरेंज आइलैंड का मतलब फर्स्ट बैच जो कि कोरल आई बैच है उसको अर्न कर लिया। ओके टीएम 18 रेन डांस। You have potential. I wish you luck in the Orange League. Okay. तो अभी हमें next island कौन सा है guys? Let me heal up first. Okay. Welcome to okay. तो हमें next island है जो कि Naval Island. हमारा प्यारा सा Naval Island. Are you ready for this? Okay. Work up. Thanks. Naval gym ahead. Trainers are in there to get stronger. Be careful. Okay, तो guys हमें इसके अंदर जाना होगा। तो शायद हमें पहले रेपल यूज करना होगा, हम मैक्स रेपल यूज करेंगे। ये रहा मैक्स रेपल, तो हमें इसको यूज कर लिया। Let's go. ओके तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। ओह हम हील कर सकते हैं अपने पोकेमॉन को। आई विल हील यू बिफोर योर बैटल। ओह गुड यू एंड योर पोकेमॉन आर लुकिंग ग्रेट। तो गाइस हम आ चुके हैं। यू क्लाइम्ड ऑल द वे अप हियर, गुड यू पास्ड माय फर्स्ट टेस्ट देन। लेट्स गो लेट्स गेट ऑन द रियल बैटल। तो फर्स्ट पोकेमॉन मेरा चार्जर्ड होगा गाइस, सेकंड होगा मेरा स्क्वर्टल और थर्ड होगा मेरा
बल्बसौर ओके। फोर्थ पोकेमोन भी हम ये ले सकते हैं गाइस, तो हम लेंगे पिकाचू को इन केस अगर कुछ हुआ तो। ओके नीडो क्वीन तो हम सेंड आउट करेंगे अपने स्क्वर्ल को, और ये किया हमने हाइड्रो पंप। ओके एक और हाइड्रो पंप हम पहला सोचे, अबे यार और फिर कोई ना गाइस हमारे पास लैप्रेस भी है। गो लैप्रेस यू सर्फ यार, फेंड मत होना प्लीज, फेंड मत होना यार। ये क्या सर्फ और नीडो क्वीन हो चुके हैं फेंडेड। ओके माचोक हम यूज करेंगे अपने पिकाचू को, और ये किया हमने थंडर बोल्ट। ओके ओके एक और थंडर बोल्ट, ये तो माचोक पैलास हो चुका है गाइस, एक और थंडर बोल्ट और माचोक भी हो चुका है फेंटेड। ओके जियो डूड हम यूज करेंगे अपने लैप्रेस को फिर से, और ये क्या सर्फ और जियो डूड भी हो चुका है फेंटेड। साइथर हम अपने चार्जर को सेंड आउट करेंगे गाइस, और ये क्या फ्लेम थ्रोवर और साइथर भी हो चुका है फेंटेड। हमारा लैप्रेस लेवल 42 हो चुका है गाइस। इलेक्ट्रोड हम इसको भी फ्लेम थ्रोवर से हरा देंगे गाइस मेरे हिसाब से। ओके एक और फ्लेम थ्रोवर, अबे यार हमारा चार्जर फेंट हो चुका है गाइस, कोई ना। ये क्या सीड बॉम्ब, एक और सीड बॉम्ब और इलेक्ट्रोड भी हो चुका है पेंटेड। तो हमने जिम लीडर डैनी को हरा दिया गाइस, वैसे मैं रॉन्ग था, इसके पास इलेक्ट्रो बज नहीं है, मुझे लगा था गाइस थोड़ा सा तो, लेकिन है नहीं है इसके पास। यू वांट दिस सी रूबी बैच। ओके गाइस तो हमने अपना सेकंड बैच भी अर्न कर लिया आइस बीम। आई होप यू कंटिन्यू टू ट्रेन एज हार्ड एज यू डिड इन द माउंटेन, थैंक्स। अभी हम अपने पोकेमोन को हील करेंगे और नीचे जाएंगे गाइस, हम डायरेक्ट आपको नीचे मिलेंगे गाइस। तो गाइस हम बाहर आ चुके हैं, और नेक्स्ट आइलैंड कौन सा होगा हम इसे चेक कर लेंगे। हे तो नेक्स्ट आइलैंड होगा सेवन ग्रेप फ्रूट। ओ गाइस तो यहाँ पे ही हमें अपना स्टोन एक्स पकड़ना है, देखते हैं हम। दिस आर द सेवन ग्रेप फ्रूट आइलैंड्स, you can tell by the name that they grow grapefruits here. Oh guys तो ये वही एपिसोड है जहाँ पे एस ने स्नोलैक्स को पकड़ा होता है, क्योंकि स्नोलैक्स मतलब खाता जाता है। Want to help me pick some? अबे यार मैं कैसे पिक करूँ। ओके तो ये लगे पड़े हैं पिक करने में grapefruits, तो यही है स्नोलैक्स। ओ नहीं ये तो बेरी जूस है यार, मैं मतलब क्या यार ओके व्हाट इज इट, आई एम वेरी बिजी विद अ स्नोलैक्स प्रॉब्लम राइट नाउ, अ स्नोलैक्स इज ईटिंग ऑल ऑफ आवर ग्रेपफ्रूट। व्हाट यू स्टॉप इट फॉर अस, वेरी वेल आई टेल द गार्ड टू लेट यू ट्राई। ओके गाइस तो हमें अभी स्नोलैक्स को रोकना है ग्रेपफ्रूट खाने से, और शायद हमें पकड़ना भी है स्टोरी के अनुसार। हे Look at what happened to all our grapefruits when a Snorlax came. Oh yaar. Matlab bahut hi dukhad kahani hai. We just picked some grapefruits here yesterday. Okay guys, hume niche jana hai. Oh. Snorlax is strong. Be careful. Okay. Dekhte hain yaar kitna strong hai. Okay, to ye raha Snorlax. The Snorlax is fast asleep.
Would you like to take Snorlax with you? Yes! तो हमने Snorlax को obtain कर लिया guys. तो हम इसको nickname नहीं देंगे. Okay, हमारा प्यारा सा Snorlax. Wow! Body Slam, Headbutt, Mega Kick और Mega Punch. हमारा Snorlax भी बहुत ही ज़्यादा strong है guys. तो इसी के साथ guys हमने Snorlax को भी पकड़ लिया और पहले तो हम उससे बात करते हैं guys. So you actually stop Snorlax. Here, take this as thanks. Okay, तो हमने leftovers पा लिया guys. Leftovers. तो हम इसको अपने पिकचू के ऊपर यूज करेंगे guys. बात में यूज करेंगे guys. अभी यूज नहीं करेंगे. तो हमने Snorlax को भी पकड़ लिया guys. और next island है हमारा Truvita. तो ये रहा. Lorelei. Hello there. I guess you're here for the gym. You're a bit too confident by the looks of it. Let me knock you down, peg. Okay, guys. तो हमें पहले इससे battle करना होगा. देखते हैं यार ये कितना strong है. Cluster. Okay. ये क्या हमने flamethrower को? और ये तो एक बार में ही हो चुका है. Fainted, guys. काफी दुखद मतलब क्या यार मुझे तो दया आ रहा था उसके ऊपर. ओके इलाइट फोर Lorelei. तो ये इलाइट फोर का मतलब मेंबर था गाइस Lorelei. इम्प्रेसिव यू मच स्टैंड अ चांस आफ्टर ऑल गुड लक ट्रेनर. सो यू थिंक यू रेडी टू टेक मी ऑन लेट्स जस्ट सी इफ यू आर वर्दी ऑफ अ बैज. यस आई एम वर्दी. ये क्या सेकंड और ये क्या थर्ड. एक्चुअली में गाइस पोकेमोन थोड़ा अलग यूज किया था ऐसे लेकिन कोई ना गाइस चल लेगा. ये रहा इलेक्ट्रोबज और हम यूज करेंगे चार्जर्ड को इसके अगेंस्ट. ओके स्क्रीच हम यूज करेंगे फ्लेम थ्रोअर. ओके डिस्चार्ज कोई ना एक और फ्लेम थ्रोअर. अबे यार ये किया आउट हमने Snorlax को और मेगा किक. ओके तो इलेक्ट्रिक बज भी हो चुका है फेंटेड. एग्जैक्ट और हम इसको भी मेगा किक देंगे गाइस. ओके तो एग्जैक्ट और भी हो चुका है एक बार में फेंटेड. तो नेक्स्ट पोकेमोन है इसका स्टार्मी जिसके अगेंस्ट हम यूज करेंगे अपने पिकचू को. और ये किया हमने थंडर बोल्ट. ओके एक और थंडर बोल्ट और स्टार में भी हो चुका है हमारा फेंटेड. ग्रेट हमने जिमिडर रूडी को हरा दिया गाइस. यू अर्न द स्पाइक शेल बैज गाइस. तो हमने फाइनली अपना थर्ड बैज भी अर्न कर लिया स्पाइक शेल बैज. ओके रिटेलिटेट यार मुझे पता नहीं ये मूव क्या करता है. ओके सो दिस वाज योर थर्ड बैच. यू ऑलमोस्ट ऑलरेडी टू चैलेंज ड्रेक. ओके तो ये ड्रेक कौन है गाइस. शायद ये भी एक जिम लीडर ही होगा मुझे थोड़ा मतलब मैं भूल चुका हूँ गाइस तो उतना पता नहीं. तो गाइस आज के मतलब पार्ट के लिए इतना ही. ये वीडियो बहुत ही लंबा जा चुका है तो मैं आई विश गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ गया होगा. तो हम आपसे मिलेंगे सीधा अपने नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होगा आगे. तो तब तक के लिए सी यू टाटा और बाय बाय.